वेलकम टू रिचा एक ज्ञान टू मेक योर डे इंस्पिरेशनल एंड महान। कहानी जापान के एक बालक की जिसका नाम ओक्यो था। ओक्यो का बायां हाथ नहीं था। ओक्यो ने अपने माता पिता से जूडो सीखने का आग्रह किया। तब उसके माता पिता उसे गुरु के पास लेके गए। गुरु ने ओक्यो से पूछा, तुम्हारे पास बायां हाथ नहीं है, फिर तुम जूडो कैसे सीखोगे? तब ओक्यो ने गुरु को जवाब देते हुए कहा कि ये सिखाना आपका काम है और मुझे सेंसेई बनना है जूडो में। तब उसके गुरु ने उसे सिखाना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद जब ओक्यो को लगा कि उसके गुरु अन्य शिष्यों व उसमें भेद कर रहे हैं, तब उसने गुरु से इसका कारण पूछा। गुरु ने कहा, ओक्यो तुम अपना अभ्यास जारी रखो, वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कुछ सालों बाद जब गुरु ने प्रतिस्पर्धा रखी कि जो भी जूडो जीतेगा उसे सेंसेई अर्थात मास्टर की उपाधि दी जाएगी। ओक्यो का प्रतिस्पर्धा अन्य प्रतिद्वंदियों से शुरू हुई। तब ओक्यो हर मैच जीतता चला गया और एक मैच में उसे बाधा आई तो उसने गुरु द्वारा सिखाई गई किक का इस्तेमाल किया और वो मैच भी जीत गया। इस तरह से ओक्यो ने सारी प्रतिस्पर्धाएं जीती और उसे सेंसेई अर्थात मास्टर की उपाधि प्राप्त हुई। ओक्यो जब गुरु के पास पहुंचा और पूछा कि मैं ये सारी प्रतिस्पर्धाएं कैसे जीत गया जबकि मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे, तब उसके गुरु ने उन्हें जवाब दिया कि जिस किक का अभ्यास मैंने तुम्हें सालों से कराया था उस किक से बचने के लिए प्रतिद्वंदी का बायां हाथ पकड़कर उसे गिराना होता है, परंतु तुम्हारा बायां हाथ नहीं था इसलिए तुम्हारे सारे प्रतिद्वंदी तुम्हारा कुछ कर ना सके और तुमसे हारते चले गए। ओक्यो को भरोसा हुआ कि उसने सालों के अभ्यास और गुरु के दिखाए हुए निर्देश अनुसार अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लिया। आपने कौन सी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया या कौन सी कमजोरी को आप ताकत बनाना चाहते हैं, चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग थॉट्स, वीडियोस और इंस्पिरेशनल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।